Hey guys, assalam, namaste, welcome back to my another new vlog. So guys, जैसे कि आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखे होंगे कि पुशअप चैलेंज में मैंने बोला था कि कीले का टूर बनाएंगे बहुत जल्दी, तो आज मौसम भी अच्छा था थोड़ा, तो हम लोग बोले क्यों ना आज व्यू भी अच्छा आएगा तो आज कीले का टूर बनाया जाए. तो अभी चलते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ मैं, और अगर आपको एड्रेस भी चाहिए तो एड्रेस भी मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो अभी चलते हैं, देखते हैं कीले के कैसे हैं. तो गाइस अभी हम लोग आ गए कीले के मेन गेट पे. तो कीले के दो गेट है, मतलब ये मेन गेट है सामने जो है अभी हम लोग के, और एक गेट वहाँ पे भी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को, ये जो है ये मेन गेट है और वहाँ पे जो गेट है वहाँ से कीले पे जाते हैं, कोई सेपरेट गेट नहीं है कीले का. तो अभी यहाँ से जाएंगे, अंदर से भी रास्ता है वहाँ से जाते हैं अभी कीले पे और देखते हैं. ये गेट है किले पे जाने का, तो यहाँ से अभी जाएंगे हम अंदर. घुसते के साथ क्या प्यारा व्यू आता है गाइस, सुकून मिलता है इधर हवा से. तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं. और गाइस ये तरफ यहाँ से आगे जाएंगे ना, आगे खाई है, वो खाई का सीन बाद में दिखाएंगे. और यहाँ पे गाइस बारिश में ना सांप भी आ सकते हैं, तो बी केयरफुल. तो अभी चलते हैं हम अंदर. ये यहाँ के यहाँ से गेट है. रात में गाइस यहाँ पे जो भी आएगा बहुत डर लगेगा यहाँ पे रात में. तो ये एंट्रेंस, सो ये है शिवड़ी फोर्ट. तो अभी आप लोग को पूरा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं हम लोग, तो बने रहो. सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वो तरफ, यहाँ से ये जो है सीढ़ी, यहाँ से गाइस ये जो ये है इसको डी बोलते हैं, ये दो डी है यहाँ पे, और यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भी है. यहाँ पे हॉरर वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये, और अंदर बहुत अंधेरा है और यहाँ पे भी आवाज डबल होती है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हो कि आवाज डबल डबल आ रही है. एकदम अंधेरा है यहाँ पे, कोई हॉरर वीडियो अगर शूट करना है आप लोग को तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये. और यहाँ पे सामने भी है, ये वाले में तो और ज्यादा अंधेरा है, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है गाइस, देख सकते हो खाली वो खिड़की का थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है. और आवाज देख सकते हो आप कितनी डबल हो रही है, डबल आवाज सुनाई दे रही है, देखो ये चिल्ला रहा है अक्षान. तो अभी ये डी तो देख लिए, अभी वो तरफ का व्यू देखते हैं. अभी बारिश हुई थी, अभी रुकी है थोड़ी. ये डी है यहाँ से अली, ये दोनों डी है जिसके अंदर अभी रहते हैं. कैसे भाई, किधर से आए भाई? पंजाब से घूमने आए? मुंबई? नहीं, यहाँ पर लैटी में काम कर रहे हैं. अच्छा, कैसा लगा किला आपको? बहुत अच्छा. ये किला जो है गाइस ये ब्रिटिश लोग ने बनाए थे, और ब्रिटिश लोग बना के छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत अच्छा काम किए बना के. और नीचे आप लोग देख सकते हो, नीचे खाई है, हवा देख सकते हो क्या अच्छी जगह आने पे, इतनी अच्छी जगह आके और मॉनसून भी अच्छा हो तो अलग ही मजा आता है. एक बार और देख लो अच्छे से. सॉन्ग सिंगर हो आप? अच्छा गा दो. मेरी रब से यही दुआए, हर राह में तुमको पाए, जितना मैं तेनू चावा वही उतना मैनू चाहे, कभी दूरियां न सही सदा संग संग रहे, एक दूसरे के दुख बांट ले, मेरे यार पे न आए रब आंच रे,
ओ मेरे यार पे ना आए रब्बा आचरे, यार बिना कैसे मेरी जिंदगी, यारी की ही करता हूँ मैं बंदगी। आखे है जब से तुमसे लड़ी हो, खुशियाँ भरी है अब हर घड़ी, मेरे ख्यालों में तू हर सवालों में तू। बहुत अच्छा गाया भाई आपने। मेरे यार पे ना आए रब्बा आज वे, पंजाबी गाना गाया आपने, ये पंजाबी गाना गाया इनने। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे वापस, तो अभी और अभी तो पूरा घूमना बाकी है, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, देखते रहो एंजॉय करते रहो व्यू को। अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, पूरा किला खाली है। और यहाँ से गाइस यहाँ पे वहाँ से ऊपर डी पे चढ़ के टॉप पे भी जाते हैं, अंदर से भी रास्ता है लेकिन बहुत रिस्की है, वो जो कर पाता है वो कर लेता है। और अभी हम लोग अंदर जाते हैं। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ खाड़ी वाली जगह, और अभी मैं आपको बहुत अमेजिंग व्यू दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं जैसे ही कैमरा टर्न करूँगा तो आप लोग देखना, बहुत ही अच्छा व्यू दिखने वाला है आप लोग को। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से एकदम मस्त फील आता है गाइस, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो गए। लेकिन ये रिस्की भी बहुत है गाइस, यहाँ पे जाने का रास्ता देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है, पूरी झाड़ी, पूरा पेड़ उग गए बहुत सारे। यहाँ से नीचे खाई है, मतलब यहाँ पे आता नहीं है कोई जल्दी, आना मना है वैसे, लेकिन आना भी नहीं चाहिए किसी को। और अगर मेरी वीडियो देख के अगर कोई आना चाहेगा इधर तो अपने रिस्क में आना गाइस, क्योंकि बहुत डेंजर प्लेस है ये तरफ की खाई की जगह की, वहाँ की तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ नहीं आने का। और ये जो ब्रिज बन रहा है ना गाइस सामने, ये इंडिया लार्जेस्ट ब्रिज है, और ये ब्रिज 22 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बनी हुई है और 440 पिलर से बनी हुई है। और ये ब्रिज के पीछे आप लोग को दिखेगा नहीं लेकिन वहाँ पे एलिफेंट आइलैंड है, और आप मॉनसून तो देख ही सकते हो कितना मस्त हो रहा है बारिश की वजह से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे, तो लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग ये तरफ आ चुके हैं, ये जगह आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये तरफ हम लोग ने एक ब्लॉग भी बना चुके हैं जो था पुशअप चैलेंज, अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे अक्षांत को गिफ्ट दिए थे हम लोग ने, और यहाँ पुशअप चैलेंज करे थे हम लोग, सबने पुशअप मारे थे। तो ये एक बॉक्स है, इसके बाजू में भी एक बॉक्स है, और बाहर जो जगह है वहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ये जगह है क्रिकेट खेलने की। और ऊपर तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर डी पे। यहाँ पे चढ़ने की कोई जगह नहीं है, भाग भाग के चलना पड़ेगा हमें, अभी चढ़ते हैं अपन। जैसे कि अपन चढ़ गए गाइस यहाँ पे से भाग के, गिल्ला है भले से लेकिन व्लॉग बनाना है तो चढ़ना तो पड़ेगा ही। और यहाँ का तो आप लोग ने देख ही चुके हैं, बारिश की वजह से कैमरा देख सकते हो आप कैसा हो गया। और यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, जैसे कि डी में आप गए थे यालड़ी, और वो टॉप है वो जो यहाँ से सब कूदते भी हैं। और ज़्यादातर हम लोग आते हैं यहाँ पे किले पे तो यहीं बैठते हैं, यहाँ पे मस्त हवा आती है और इन्जॉय करते हैं हम लोग क्लाइमेट को। और ये देख सकते हो बारिश के जैसे कैमरे पे थोड़ा वो हो रहा है, बाकी यहाँ पे चढ़ के व्यू बहुत अच्छा आता है। और ये जो नीचे की जगह है यहाँ हम लोग खेलते हैं क्रिकेट। ये जो है यहाँ से टॉप जाने का रास्ता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्या डेंजर दिख रहा है। और ये रस्सी इधर कुछ सीढ़ी वीढ़ी नहीं है, सीधी रस्सी है, ये रस्सी से पकड़ के ऊपर जाने का। अभी तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि पूरा गिल्ला है, अगर सूखा रहता तो हम लोग चले जाते थे क्योंकि हम लोग जा भी चुके दो तीन बार। ये रस्सी पकड़ के ऊपर जाते टंग के, ऐसा बंदर की तरह जाना पड़ता है ऊपर, और फिर वहां से वो तरफ से कूद जाते। तो ये बहुत रिस्की है गाइस, यहाँ पे बहुत रिस्क लेके आना पड़ता है, और चढ़ गए गिर गए तो सीधा
समझ रहे हो। गाइस दरगाह से बाजू से जाने के बाद एक रास्ता और है, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। व्हाट अ व्यू मैन। भाई जैसे कि पहले हम लोग ये वाले रास्ते से आए थे और मैंने आप लोग को बोला था कि किले पे आने की तरफ का ये वाला रास्ता है, तो अभी ये वाले रास्ते से नीचे जाते हैं हम लोग, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग गए थे अंदर, तो अभी चलते हैं, अभी घर पे जाने का टाइम आ गया है। ये वाला रास्ता जो है ये है किले की तरफ आने का, दो रास्ते हैं यहाँ के, लेकिन मेन गेट वो था जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। गाइस ये जो यहाँ से ऊपर आता है ये वाला रास्ता था। तो गाइस ये था आज का हमारा ब्लॉग, और बाल तो आप लोग देख सकते हो भीग भीग के पूरे एकदम बाल खराब हो गए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत दिन से पेंडिंग करके रखा था गाइस कि हम लोग आएंगे किले पे, किले का ब्लॉग क्यों बनाएंगे, तो आज मैंने बना ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सबको शेयर करना गाइस। और मैं इस किले की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जल्दी मिलेंगे आपके साथ। जब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।